गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हुसैन सर, स्वागत करता हूं आप सभी का फेसबुक यूट्यूब कंप्यूटर क्लासेस के लाइव क्लास कंप्यूटर क्लासेस। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि डेली बेसिस पर मैं कंप्यूटर क्लासेस आप लोगों के बीच लेकर उपस्थित हूं, तो इसी कड़ी में आज हम चलते हैं कि टेली के अंदर सेपरेट डिस्काउंट कैसे एनेबल करेंगे और सेपरेट डिस्काउंट की एंट्री कैसे पास करेंगे, ये क्लासेस आज होने वाली हैं और इसी क्लासेस के हम कंटिन्यू आगे करते रहेंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सबसे पहला चीज क्या है कि डिस्काउंट दो प्रकार का होता है, एक डिस्काउंट पेड और डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट पेड का मतलब अगर हम किसी को डिस्काउंट देते हैं तो डिस्काउंट पेड कहलाता है, और अगर हम किसी से डिस्काउंट लेते हैं तो डिस्काउंट रिसीव कराता है। तो डिस्काउंट पेड जो है वो क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होती है, और डिस्काउंट रिसीव जो है वो डायरेक्ट इनकम होती है। और ये दोनों जो है इसकी एंट्री हम लोग सिंपल में अगर किया जाए तो F5 में डायरेक्ट पेड की होगी और F6 में डायरेक्ट रिसीव की होगी, इनडायरेक्ट एक्सपेंस की होगी। मगर मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि एक ही रो के अंदर हमारा डिस्काउंट जो है शो करे, और ये डिस्काउंट जो है क्वांटिटी पे हो, किस पे हो, क्वांटिटी पे हो, पीसेस पे हो, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्काउंट सेपरेट की कॉलम्स को एनेबल करेंगे, यानी कि उसको एक्टिव करेंगे, यानी कि ओपन करेंगे। तो ही तो चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले देख लीजिए आप क्या करें, टेली ऑन कर लें। टेली ऑन करने के बाद आपका पहला काम है कि आप एक कंपनी बनाएं। क्या बनाएं, कंपनी, राइट। जब आप कंपनी बना लेते हैं, मान लीजिए हम कंपनी बना रहे हैं सेपरेट डिस्काउंट की, किसकी, डिस्काउंट की, एक सेपरेट डिस्काउंट नाम की क्या बना लिया हम, कंपनी बना लिए। और कंपनी में हम सिर्फ आज जो है आपको एक एंट्री करके दिखाएंगे। क्या एंट्री करके दिखाएंगे, एक परचेज का और एक सेल्स का, सिर्फ इतना ही एंट्री करना है हमें। तो परचेज के लिए हमको क्या करना होगा, एक लेजर तो बनाना ही पड़ेगा आपको, आप लेजर बना लीजिए। चलिए परचेज पेन का एक लेजर बना लिए, क्या किया, परचेज पेन का हम लोग क्या बना रहे हैं, एक लेजर बना रहे हैं, याद रहेगा ना, ठीक है। देखिएगा परचेज पेन का बना लिए, दूसरा क्या है, अब सेल्स हम पेन का बना रहे हैं, राइट, ये हम सेल्स अकाउंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सेल्स अकाउंट कर दिए। अब डिस्काउंट की एंट्री यहाँ पे नहीं हो रही, क्या नहीं हो रही, डिस्काउंट की हम लोग यहाँ पे कॉलम्स नहीं बनाएंगे, डिस्काउंट का लेजर हम यहाँ पे नहीं बनाएंगे। अब हमें क्या बनाना है, हम इन्वेंट्री बनाना है, इन्वेंट्री में क्या बनाना है, इनस्टॉक मेजर, यानी कि PCS, राइट। उसके बाद आइटम में क्या था, पेन है, यही है ना, PCS में हम कर दें, इसको एक्सेप्ट कर लें। अब ये एंट्री करने के बाद आपको क्या करना है, एनावल करना है सेपरेट डिस्काउंट को। सेपरेट डिस्काउंट कहां से आएंगे, कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर आपको क्लिक करना है, कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर क्या करना है आपको क्लिक करना है, या फीचर्स में जाना है, फीचर्स में इन्वेंट्री फीचर्स होगी। इन्वेंट्री फीचर्स के अंदर आप देखेंगे कि राइट साइड में इनवॉइसिंग के अंदर दिया हुआ होगा यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस। हम लोग सेपरेट डिस्काउंट कॉलम्स को एक्टिव करना चाहेंगे, यहाँ से क्या करना चाहेंगे, एस करेंगे, क्या करेंगे, एस करेंगे, और क्या करना है, सिर्फ एक्सेप्ट कर लेना है, एक्सेप्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जब हमारा सेपरेट डिस्काउंट का कॉलम क्या हो गया, एक्टिव हो गया, तो हम क्या करेंगे, अब अकाउंटिंग वाउचर्स करेंगे। देखिएगा कि हम क्या नहीं बनाए हैं, हमने कोई लेजर्स नहीं बनाया डिस्काउंट का, और ना ही रिसिप्ट का बनाया, ना ही पेड का बनाया, डायरेक्ट हम यहाँ पर डिस्काउंट शो ऑफ करके दिखाएंगे। तो चलिए यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हम कोई भी सामान हम लोग क्या कर रहे हैं, कैश पे खरीद रहे हैं, परचेज पेन, यहाँ पे हम लोग पेन खरीदें, क्वांटिटी 10 पीस खरीदे, ठीक है, 10 पीस का रेट 10 रुपया था, तो क्या हुआ उसका, 100 रुपया हुआ, मगर डिस्काउंट हमारा कितना मिला पता है, 10%, कितना मिला, 10%, तो ऑटोमेटिक 90 देख सकते हैं। अगर डिस्काउंट हमको क्या मिला, 10% मिला, तो ऑटोमेटिक क्या हो गया, मुझे एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ी, ना ही कोई लेजर्स बनाने की जरूरत पड़ी, यहाँ पे शो ऑफ करके कटिंग करके आपको दिखा दिया कि 90 रुपया का आपको लगेगा, 90 रुपया क्या लगेगा, ये क्या लगा, आपने जब परचेज करने गया तो डायरेक्ट इनकम हुआ आपका, ये कटिंग हो गया। अगर हम इसी सामान को अगर हम सेल्स करते हैं, क्या करते हैं, आप
हम सेल्स करते हैं, एफआईटी में सेल्स करते हैं, ठीक है। तो केस में हम चले गए, जाने के बाद आप क्या करो, सेल्स पेन कर दे, यहाँ पे हम सेल्स पेन कर दे रहे हैं, ठीक है, पेन ही है ना। अब क्वांटिटी 10 ही पीस है, अब रेट हम 1200 रुपये में बेच रहे हैं, इसमें भी हम 10 रुपये उसको क्या किया, डिस्काउंट दिए, तो 108 रुपये में बेचे हैं ना, राइट। अब ये जो है, जो मैंने एंट्री किया, एक्चुअली में दिखाना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस में और बैलेंस शीट में। हम लोग क्या करेंगे, स्केप करके हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को देख रहे हैं। आप देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में दिख रहा है कि सेल्स हमारा क्या है, 108 रुपया है, परचेज हमारा क्या 90 रुपया, क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, नेट प्रॉफिट कितना हुआ 18 रुपया हुआ। अब बैलेंस शीट्स में देख रहे हैं हमारा कितने का एसेट्स है हमारे पास, 18 रुपया का। अब आप पूछेंगे, क्वेश्चन होगा कि सर यहाँ पे तो डायरेक्ट इनकम इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिखाई नहीं रहा है, डायरेक्ट इनकम इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिखाई नहीं रहा है, तो डायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने क्या किया, सेपरेट डिस्काउंट किया। सेपरेट का मतलब ही जान लीजिए कि हम जानते हैं, सेपरेट का मतलब क्या, कोई भी चीज को सेपरेट रखना है, है ना, सेपरेट डिस्काउंट किया, डायरेक्ट हम लोग वहां से डिस्काउंट किए, है ना। तो ये एक डिस्काउंट होता है डायरेक्ट सेपरेट, कि जो डिस्काउंट हम दिए हैं डिस्काउंट 100 ऑफ होगा वहां पे, क्लियर है, ये डिस्काउंट बनाना है। तो ये डिस्काउंट किस पे लागू होता है, पीसेस पे, नंबर पे, ठीक है, जब इन्वेंट्री का बात आ जाएगा, किस पे आ जाएगा, इन्वेंट्री का आने, इन्वेंट्री क्यों बनता है मालूम है ना, किसी भी सामान का स्टॉक निकालने के लिए, क्या बनाने के लिए, स्टॉक निकालने के लिए। अगर वही सामान अगर हमारा पीसेस नहीं होता, सेकंड अगर सेकंड वाले में देना पड़ता तो हमको क्या बनाना पड़ता, अगर फर्स्ट रो में नहीं एंट्री करके सेकंड रो में एंट्री अगर करनी पड़ती, एंट्री अगर पास करनी पड़ती, तो फिर हमको क्या होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को हमको दिखाना पड़ता है, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को हमको दिखाना पड़ता है। तो सेपरेट डिस्काउंट में हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस को हम लोग नहीं दिखाते हैं, मगर डिस्काउंट हम कर देते हैं, एक सेपरेट हुआ, समझे कि नहीं। तो इसकी एंट्री जो है इस तरह से की जाएगी, ठीक है, ये सारे क्लासेस आपको आज करना है प्रैक्टिकल के तौर पे, राइट। और आज कुछ नया नहीं पढ़ाएंगे, सिर्फ जब जाएंगे थोड़ी सी हम कॉन्फ़िगरेशन कैसे सेटअप करना है, है ना, सेपरेट डिस्काउंट का वो हम सिर्फ थ्योरी दिखा देंगे कि कहाँ पे जाना है, अकाउंट फीचर्स में जाना है, वहाँ पे जाके इन्वॉइसिंग के अंदर वहाँ पे यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम को यस करना है, ओके करना है, ठीक है। बाकी बात रिवीजन क्लास होगा, रिवीजन क्लास करने के बाद सबसे पहला चीज़ है कि टाइमिंग आप लोग सही कीजिए, और अभी सभी छात्र छात्राओं से भी हमारा अनुरोध है जो हमारे लाइव क्लास से जुड़े हुए हैं, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए हैं, वो टाइमिंग क्लास को करें, कंटिन्यू करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि अब जब तक आप शेयर लाइक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक हमारी वीडियो अच्छी नहीं बनेगी, और जब तक आप सब्सक्राइब करेंगे तो ही हमारी अच्छी से अच्छी वीडियो आपके पास आएगी। तो दोस्तों इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं, खुश रहे आपका परिवार, दुआ में याद रखिए, आपका शाम सर, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।